दिमाग में आदमी के कब किस टाइम पे क्या कर ले, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ इस बात को। बाकी इतना जरूर कहूंगा कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो पार्टी दे दो उसको, मार दो गोली। मैं बहुत परेशान हूँ, पैसे नहीं देते, मैं छोरा भी देख पाई। जरा इस कार्टून को देखिए और अपना दिमाग लगाकर सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर जिसने भी ये कार्टून बनाया है वो क्या दिखाना चाहता है। कार्टून में एक लड़की है जिसकी उम्र कम ही लग रही है, मानो 12 या 13 साल की लड़की हो। उसके कपड़े फटे हुए हैं, खून के धब्बे उसके कपड़ों पर लगे हुए हैं, तो कुछ खून जमीन पर भी पड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ से ये लड़की गुजर कर आ रही है वहाँ पर कुछ लोग गौ माता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान इस लड़की पर नहीं गया, या फिर उन्होंने चाहकर भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस लड़की की ऐसी हालत कैसे हुई है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये कार्टून एक एक्चुअल इंसिडेंट पर बना हुआ है। बात है उज्जैन की, बाबा महाकाल की नगरी की, जहाँ पर एक केस हुआ है। एक 15 साल की बच्ची का रेप हुआ और उसे मारने के लिए छोड़ दिया गया। जब वो लड़की जैसे तैसे खड़ी हुई तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। वो लोगों के घर जा जाकर मदद मांग रही थी, लेकिन मदद तो दूर लोगों ने उसे किसी भिखारी की तरह भगा दिया। और ये हुआ इंडिया की सबसे धार्मिक सिटी उज्जैन में, जहाँ पर कालों के काल महाकाल रहते हैं। तो आइए अब मैं बताता हूँ पूरा मामला क्या है और क्या हुआ और कैसे हुआ। बाद में 25 सितंबर 2023 की उज्जैन के महाकाल थाना पुलिस को एक कॉल आता है, जिसमें उन्हें एक आश्रम के पुजारी राहुल शर्मा एक लावारिस लड़की की इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस वहां जाकर देखती है तो पुलिस को लगता है कि इस लड़की की उम्र 12 साल की है और गरीब भीख मांगने वाली लड़की है जिसे कुछ चोट आई है। पुलिस अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखती है कि उन्हें एक भीख मांगने वाली लड़की घायल हालत में मिली है, जिससे वे लोग हॉस्पिटल ले गए। लेकिन जब वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कुछ इंजुरीज हुई है और हो ना हो इस लड़की का रेप हुआ है। अब लड़की की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ भी बोल पाए और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। उज्जैन के डॉक्टर इस लड़की को हायर ट्रीटमेंट के लिए इंदौर भेज देते हैं, जहां पर लड़की का आगे का इलाज होना था। पुलिस जहां पर इस लड़की को लावारिस समझ रही थी तो वहीं पर डॉक्टर से रेप का सुनकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जुट गई। राहुल शर्मा ये वही इंसान है जिसे लड़की आश्रम के बाहर मिली थी और इसी ने पुलिस को इस लड़की की खबर दी थी। ये लड़का दांडी आश्रम का पुजारी था और राहुल के मुताबिक वो कहीं अपने काम से जा रहा था। जब उसने इस बच्चे को देखा तो उसके शरीर पर कटे फटे कपड़े थे, तो इसलिए पहले पुजारी ने अपने शॉल से उस लड़की की बॉडी को ढका, फिर उसे पानी पिलाया और उसे कुछ खाने को भी दिया। और उस लड़की से पूछा गया तो ठीक से कुछ बता नहीं पा रही थी। पुजारी ने जब उससे खाने का इशारा किया तो उस लड़की ने हाँ में जवाब दिया, तो इसलिए उसे नमकीन दलिया खिलाया गया। राहुल शर्मा का ऐसा कहना था कि ये लड़की बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। जब उसने लड़की का नाम पूछा तो इशारे में बातें कर रही थी। लड़की इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो आश्रम के बाकी लोगों से भी डर रही थी। मेरा आश्रम से बाहर जाना का था, जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा मुझसे 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बंडेगढ़ क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेटिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहां से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहां से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तत्पश्चात उन्होंने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सर, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। हमने कई बार उसे पूछने की चेष्टा करी कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने उसे ये भी कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी प्रकार कोई आपको डर नहीं है, अब आपका कोई बाल भी वाका यहाँ नहीं कर पाएगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर या माता पिता का मोबाइल नंबर कोई जानती हो तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं संकोच होकर के नंबर बता सकती हो, किसी प्रकार का डर आपको नहीं है। लेकिन बालिका फिर भी भयभीत थी। जब 10-20 मिनट वह मेरे पास रही तो उसे मेरा विश्वास हुआ। जब भी कोई नया व्यक्ति या गाड़ी के पास आता मेरी, तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही पुलिस प्रशासन का आना हुआ, प्रशासन ने उसकी मदद करके उसे अपने वाहन में बिठा करके वो लोग जो है यहाँ से चरक हॉस्पिटल उसे ले गए। पुलिस ने जब आगे की इन्वेस्टिगेशन की तो आश्रम तक जाने वाले रास्ते पर हर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकाली गई, जिसमें इन ह्यूमैनिटी की एक और तस्वीर सामने आई। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो लड़की पैदल भटक रही है उसके साथ में ऑलरेडी रेप हो चुका है।
इस लड़की को नहीं पता था कि उसे कहां पर जाना है। वो बस लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन उसे देखकर लोग उसे भगा रहे थे और तो और अपने घर का दरवाजा भी बंद कर रहे थे। इस लड़की की मदद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं था और लोगों की इंसानियत को आप इस सीसीटीवी कैमरा में देख सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से लड़की 3 घंटे से पैदल चल रही है और कोई भी इसकी मदद करने वाला नहीं था, बल्कि उल्टा वो उसे अपने घर से भगा रहे थे। बाद में लड़की पुलिस वालों को खून में लथपथ मिली। पुलिस का ऐसा कहना था कि लड़की महाकाल के ही पास रहती है और भीख मांगती है, लेकिन इस लड़की के शरीर पर जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो किसी स्कूल के ड्रेस जैसे दिख रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि ये लड़की भीख मांगने वाली तो नहीं हो सकती थी। वो साफ समझ आ रहा था कि पुलिस को इस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और यहीं पर पुलिस सबसे बड़ी गलती कर रही थी। लड़की की लैंग्वेज पुलिस वालों को समझ नहीं आ रही थी और ना ही उज्जैन में किसी लड़की के मिसिंग होने की रिपोर्ट थी जिससे कि पुलिस को पता चले कि लड़की कौन है। पहले तो पुलिस को ऐसा लगा कि लड़की उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उन्हें यह भी नहीं पता था कि आखिर ये लड़की उज्जैन कैसे आई। यहाँ पर पुलिस वालों के 2 काम और बढ़ गए थे। पहला ये कि लड़की के साथ में भी जिसने ये रेप किया था उसे पकड़ना, दूसरा इस लड़की के माता पिता के बारे में पता लगाना। तो आखिर लड़की किससे मिली? ये लड़की पुलिस को मंडे यानी कि 25 तारीख को मिली थी और अगले ही दिन जब मीडिया को इस बात की खबर मिली तो उज्जैन के लोकल न्यूज़पेपर ने इस खबर को पेपर में छाप दिया और न्यूज़ में लड़की की फोटो अपने स्कूल ड्रेस में थी लेकिन उसका चेहरा ब्लर कर दिया गया था। किस्मत से एक ऐसे शख्स ने इस पेपर को पढ़ा जो कि इस लड़की को जानता था और ये आदमी इस लड़की के गाँव गए था। अक्सर गाँव छोटे होते हैं और गाँव में सभी लोग एक दूसरे को बहुत ही क्लोजली जानते हैं। ये आदमी इस पेपर को ले जाकर लड़की के दादाजी को दिखाता है। पहले तो सभी को ऐसा लग रहा था कि लड़की कोई और है क्योंकि ये गांव उज्जैन से 700 किलोमीटर दूर था और एक अकेली बच्ची 700 किलोमीटर दूर कैसे जा सकती थी, लेकिन लड़की के दादा को ये लग रहा था कि ये उन्हीं की पोती है। बात है 24 सितंबर संडे की, जब मध्य प्रदेश के सतना जिले के जेतवारा गाँव की एक लड़की अपने गाँव से दूसरे गाँव संडे को होने वाले एक ओलंपियाड में भाग लेने जा रही थी। लड़की के घर में उसके पिता, एक छोटा भाई और उसके दादा रहते थे और उसकी माँ उसे पहले ही छोड़कर चली गई थी। लड़की गई तो थी ओलंपियाड की एग्जाम देने के लिए, लेकिन वो अपने घर पर वापस नहीं आई। जब उसके घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया तो उन लोगों ने ओलंपियाड के सेंटर में जाकर पूछताछ शुरू की और उन्हें पता चला कि इस लड़की का वहाँ पर रोल नंबर ही नहीं था और ना ही वो लड़की वहाँ पर आई थी। इधर गाँव के सभी बच्चे ओलंपियाड के एग्जाम देकर लौट चुके थे। अब रात के 10 बजे लड़की के दादा गाँव वालों के साथ में इस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस थाने गए, लेकिन वहां पर मौजूद फीमेल कांस्टेबल ने रिपोर्ट को लिखने के बजाय ये कहा कि रात भर इंतजार करो, लड़की कहीं गई होगी और अगली सुबह तक वापस आ जाएगी और अगर फिर भी लड़की वापस नहीं आती है तो तब आकर वो रिपोर्ट लिखवाएं। लड़की को गायब हुए पूरा 1 दिन हो चुका था और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो क्या, रिपोर्ट तक नहीं लिखी थी। फिर अगले दिन भी जब लड़की वापस घर पर नहीं आई तो एक बार फिर परेशान पिता और उसके दादा पुलिस थाने गए और तब पुलिस वालों ने बस रिपोर्ट लिखी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। लेकिन जब गांव की पुलिस ने बच्ची का फोटो अखबार में देखा तो उन्हें समझ में आ चुका था कि ये मामला छोटा मोटा नहीं है। वहीं दूसरी ओर उज्जैन की पुलिस भी लड़की की पूछताछ कर रही थी। जहां पर पहले पुलिस को लग रहा था कि ये लड़की दूसरे स्टेट की है, लेकिन फिर लड़की थोड़ा ठीक होने के बाद में टूटी फूटी लैंग्वेज में अपने माता पिता और एड्रेस बताती है, तो तब पुलिस को पता लगता है कि लड़की सतना के पास एक गाँव की है और उज्जैन की पुलिस तुरंत सतना पुलिस को कांटेक्ट करती है जहां से बच्चे के बारे में पता लगता है। इस लड़की की मां 12 साल पहले अपने पति को छोड़कर चली गई थी। लड़की का पिता भी अल्कोहल एडिक्ट था और ज्यादातर नशे में ही रहता था। ये लड़की अपने पिता, एक भाई और दादा के साथ में रहती थी और ऐसा भी कहा जा रहा था कि लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन क्या ये बात सच है या फिर घर की इस सिचुएशन के कारण इस 15 साल की बच्ची ने ऐसा कदम उठाया, वो तो हम आगे देखेंगे। इधर उज्जैन पुलिस को लड़की के परिवार के बारे में पता चल गया था और लड़की जब धीरे धीरे रिकवर हो रही थी तो पुलिस का अब काम था कि लड़की के साथ में जिसने भी हरकत की है उसे पकड़ना। पुलिस तुरंत जांच शुरू कर देती है। अब यहाँ पर लड़की ने बताया था कि वो रात को करीब 12 बजे ट्रेन से उज्जैन पहुंची थी, तो इसलिए पुलिस रेलवे स्टेशन और आसपास के सभी इलाकों के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करती है। लड़की के मुताबिक उसने ऑटो रिक्शा वालों से मदद मांगी थी और एक ऑटो वाले ने उसे अपने ऑटो में बिठाया था और उसे थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ दिया था, लेकिन देर रात एक और ऑटो वाला आया
जिसने उसे अकेला देखकर उसे अपनी ऑटो में बिठाया, फिर दूर दराज के इलाके में ले जाकर उसका रेप किया। पुलिस को राकेश कुमार नाम के एक ऑटो वाले से पता चला कि उसने लड़की को देखा था, वो अकेली मदद मांग रही थी, तो उसने उस लड़की को ऑटो में बिठाया, जिसके बाद उसने लड़की के फटे हुए कपड़े देखे और उसने अपने ड्राइवर की शर्ट उतारकर उस लड़की को पहना दी। उसे ऐसा लगा कि लड़की आसपास की होगी और वो अपने घर चली जाएगी, लेकिन यही उसकी गलती थी कि उसने पुलिस को इस लड़की के बारे में नहीं बताया। पहले पुलिस को राकेश पर ही शक था कि वही गुनहगार होगा। फिर जब पुलिस ने और ऑटो वाले से पूछताछ की तो उन्हें एक ऑटो की बैकसीट पर खून के धब्बे मिले। जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। असल में लड़की का रेप जिस ऑटो वाले ने किया था, उस ऑटो वाले का नाम था भरत सोनी, जो कि उन्हीं के साथ में ऑटो चलाता था। पहले उसने लड़की का रेप किया, फिर वो उसे ऑटो में ही बिठाकर घुमाता रहा, फिर वो अपने एक और दोस्त जो खुद भी ऑटो चलाता था उसके पास में आया और उसने लड़की को अपनी ऑटो से उतारकर दोस्त की ऑटो में बिठाया, फिर लड़की को सुनसान जगह पर ले जाकर मरने के लिए छोड़कर वे लोग वहां से भाग गए। भरत ने फिर पुलिस से बचने की पूरी कोशिश की। पहले तो उसने अपनी ऑटो की नंबर प्लेट बदली, फिर अपनी ऑटो की पहचान छुपाने के लिए उसने अपनी ऑटो से भाई के नाम का स्टिकर हटाया। फिर वो अपने घर पर गया, जहाँ पर वो घबराया हुआ लग रहा था। लड़की की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी और जब भारत के पिता ने भारत को बताया कि उज्जैन में एक लड़की के साथ में ऐसी ऐसी हरकत हुई है, तो उसने अपने पिता को कोई जवाब नहीं दिया, जिससे कि वो समझ गए कि भारत ने ही इस लड़की के साथ में ऐसा किया है। और घटना हुई थी तो हमको पहले ही मालूम पड़ चुकी थी। समाचार सुनता हूँ मैं, तो समाचार में मैंने सुना था, मैंने कहा किसी बच्चे के साथ में गलत हुआ है। उसको भी बोला था मैंने, कहा बेटा मैंने कहा ऐसा सुना है मैंने किसी लड़की के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। बोले दिनचर्या तो जैसे जैसा रहता वैसा ही था, ऐसा ही रहा। वो जरा सा भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। समय पे उसको आना जाना वही का वही रहा उसका। समय पे नहाना धोना खाना खाना वही समय रहा उसका। खैर पुलिस ने जल्दी भरत को पकड़ लिया और उसे क्राइम सीन को रिक्रिएट कराने के लिए ले जाया गया, जहाँ पर उसने पुलिस से भागने की कोशिश की तो पुलिस इनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी, जिससे कि उसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रखा गया, जिसके बाद में उसे सजा जरूर मिलेगी। ऐसे घिनौने क्राइम को करने के बाद में भरत के पिता का भी यही कहना था कि ऐसे क्राइम करने वालों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, उन्हें भी मार देना चाहिए। फांसी दे दो उसको, मार दो गोली, यही बोलता और क्या बोलता, यही बोलता ना। बच्ची के साथ में क्या बीती, उसके माँ बाप के साथ में क्या बीती। फिलहाल तो भरत के क्राइम की सजा उसके माँ बाप को भी मिल रही है। गवर्नमेंट ने उसके पूरे घर को बुलडोजर से तोड़ दिया। अब उसके माता पिता के पास में भी रहने के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ तक रिश्तेदार और कोई भी उन्हें रहने की कोई जगह नहीं दे रहा है। नहीं रहने को जगह नहीं मिल रही, मुंह छुपा छुपा के घूम रहा है। धंधा पानी सब छूट गया हमारा, नाना धोना खाना पीना सब छूट गया। बात करें उस लड़की की तो वो अब ठीक है, लेकिन अगर उसे समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया होता तो शायद वो लड़की बच भी नहीं पाती। उसके घर से इतनी दूर आने की वजह अभी तक किसी को भी नहीं मालूम चली कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। खैर जो भी हो, इस केस के बाद में समझ आ ही गया कि जिस देश में हम देवी की पूजा करते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं, वहां पर जब असलियत में किसी देवी की मदद करने की बात आती है तो लोग अपना मुंह फेर लेते हैं। जान बचाने वाले हीरो बस बॉलीवुड तक ही सीमित हैं, असल दुनिया में लोगों की आत्मा मर चुकी है और शायद इसी कलयुग के बारे में लोग बातें भी करते हैं। अब बात करें उस शख्स की जिसने इस लड़की की मदद करने से पहले जरा भी नहीं सोचा। राहुल शर्मा जीव के काचरम का पुजारी था। यही काम लोगों ने पहले कर दिया होता तो ना ही लड़की भारत के हाथों आती और ना ही उसके साथ में ऐसा होता। पुलिस ने इस केस को सुलझा दिया, क्रिमिनल भी मिल गया और लड़की के घर वालों को लड़की भी मिल गई। लेकिन जरा सोचिए कि उस लड़की की मेंटल स्टेट क्या होगी जो अपने घर से इतनी दूर आ गई और यहाँ पर भी उसके साथ में ऐसा हादसा हुआ। हमें कोई थप्पड़ भी मार देता है तो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं, वो ह्यूमिलेशन हम जिंदगी भर फील करते हैं। तो क्या ये लड़की इस हादसे के बाद में इस इंसिडेंट के ट्रॉमा को भुला पाएगी?